दोस्तों अगर आप इस वीडियो की थंबनेल और टाइटल देखकर इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया हो तो मैं आपको निराश नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 2023 का सबसे ज्यादा बेस्ट VPN सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप अपनी एयरटेल सिम की इंटरनेट स्पीड को लेकर परेशानी में है तो इस वीडियो को स्किप न करके एंड तक वॉच कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपका एयरटेल सिम का सभी परेशानी दूर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि इस तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवा के इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो एयरटेल सिम की हाई स्पीड VPN को सेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क का। तो यहाँ पर आपको सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क की ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल का दोनों सिम शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी एयरटेल सिम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको तीन नंबर पर जो ऑप्शन दिखेगा एक्सेस पॉइंट नेम्स का, तो यहाँ पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स की ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको VPN पे लेके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा न्यू VPN का प्लस के आइकॉन के साथ, तो यहाँ पर आपको न्यू VPN की ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एडिट एक्सेस पॉइंट नेम्स पे लेके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोस्तों पूरी VPN को सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो भी सेटिंग्स करना है यहाँ पर आपको ध्यान से करना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको नेम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टाइपिंग करना है AIRTEL एयरटेल। एयरटेल लिखने के बाद यहाँ पर आपको एक स्पेस देना है और स्पेस देने के बाद यहाँ पर आपको कैपिटल में UI टाइपिंग करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको एयरटेल UI टाइपिंग करना है और टाइपिंग करके यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन दिखेगा VPN का, उस VPN की ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सभी स्मॉल लेटर में लिखना है AIRTEL एयरटेल। एयरटेल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको LIBE यहाँ पर आपको एयरटेल लाइव टाइपिंग करना है और टाइपिंग करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको यूजर नेम की ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैपिटल में ए देना है और AIRTEL एयरटेल। एयरटेल लिखने के बाद यहाँ पर आपको फिर से कैपिटल में एम देना है और MAX दोस्तों यहाँ पर आपको एयरटेल मैक्स टाइपिंग करना है और टाइपिंग करके यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सर्वर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सर्वर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टाइपिंग करना है www.AIRTEL एयरटेल। एयरटेल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको GPRS तो यहाँ पर आपको एयरटेल GPRS टाइपिंग करना है और टाइपिंग करने के बाद यहाँ पर आपको .in लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑथेंटिकेशन टाइप का, तो आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेशन टाइप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन पेप और चेप को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको VPN टाइप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टाइपिंग करना है DEFAULT। डिफॉल्ट टाइपिंग करने के बाद यहाँ पर आपको एक कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टाइपिंग करना है XCAP। तो यहाँ पर आपको डिफॉल्ट एस्केप टाइपिंग करना है और टाइपिंग करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको VPN प्रोटोकॉल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे वाला ऑप्शन IPv4/IPv6 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको VPN रोमिंग प्रोटोकॉल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी सबसे नीचे वाला ऑप्शन IPv4/IPv6 को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद दोस्तों सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है BRR का, उस BRR की ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अनस्पेसिफाइड को अनक्लिक करना है और यहाँ पर आपको LTE से लेकर GPRS तक सभी ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको GPRS तक सिलेक्ट कर देना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका VPN पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आपको नीचे मोर की ऑप्शन पर क्लिक करना है। मोर की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेव कर देना है और सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा न्यू VPN बन चुका है एयरटेल UI। तो यहाँ पर आपको न्यू VPN को सिलेक्ट कर देना है और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो अभी यहाँ से आपको बाहर निकल जाना है और बाहर निकलने के बाद दोस्तों आपको अपने फोन को एक बार रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद दोस्तों आपको अपना इंटरनेट को यूज करना है। दोस्तों आपका एयरटेल सिम का इंटरनेट स्पीड पहले से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।